सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ हार्ट बॉय। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जब सुबह सुबह उठ के मैं पार्क जाता हूँ तो कितना मज़ा आता है। जब हम अर्ली मॉर्निंग उठ के पार्क जाते हैं तो सुबह की जो हवा होती है वो इतनी अमेजिंग होती है जिससे आप सोच भी नहीं सकते। और अर्ली मॉर्निंग उठना और अपने बॉडी को और अर्ली सन को देखना, जैसा अब सीन में देख पा रहे हो, कुछ ऐसा ही होता है और काफ़ी बिल्कुल तसली और अच्छा लगता है। और इवन मिशन में कई सारे फ्रेंड्स भी होते हैं जो हम लोग पार्क में मिलते भी हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी पार्क में मिल नहीं पा रहे क्योंकि अभी हम पार्क जाना ही नहीं चाहते। तो जब हम लोग पार्क जाया करते थे तब काफ़ी मज़ा आता था। हमारा जो केटी का जो पार्क होता था ना, हमारा जो केटी का जो पार्क है वहाँ सुबह का वातावरण बहुत अच्छा रहता था और एक टाइम में समर्स में वहाँ तुम्हें जुम्बा भी कराया जाता था, वहाँ डांस भी होता था, तो आप सोच सकते हो वहाँ कितना मज़ा आता होगा। पर फिर धीरे धीरे करके वो बंद हो गया और जब पैंडेमिक स्टेज आई तब तो और ही बंद हो गया। पर नहीं, वो दिन वापस कब आएंगे और कब मैं अपनी खास दोस्त के साथ फिर से जा पाऊँगा। पर हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग बहुत जल्द जा पाएंगे एक साथ पार्क और मुझे भी मज़ा आएगा उसके साथ एंजॉय करने में, क्योंकि अकेले पार्क घूमने में इतना कोई मज़ा नहीं आता और उस पार्क में कई सारी एक्सरसाइज करने की मशीन्स भी हैं, तो ओवरऑल इट इज़ फन। और इवन तभी मैंने अपने कुछ नए दोस्त वहाँ बनाए हैं और उनके साथ मैं कभी एक्सरसाइज या कभी वॉक किया करता हूँ। तो गाइस, ओवरऑल इस वीडियो का मैसेज ये है और मुझे ये मैसेज ये है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को भी जल्दी उठकर अपनी रेगुलर एक्सरसाइज या अपनी बॉडी को फिट रखने की कोशिश करनी चाहिए। ओवरऑल वो बहुत अच्छा होता है और मुझे भी पार्क जाना पसंद है और अभी भले मैं जा नहीं पा रहा पर बहुत जल्द मैं जाऊँगा दोबारा, तो आपको अपना और एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये स्टोरी सुनकर अच्छा लगा होगा। तो आई रियली इन्जॉय इट और लेट्स हैव सम फन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और इन्जॉय दिस न्यू स्टोरी, द पार्क स्टोरी। सो लेट्स मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।